सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड में आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। इस बीच एक मामले में एक नया खुलासा हुआ है। एक शख्स जिसने अपने आप को ड्राइवर बताया है वह सामने आया है। उसका कहना है कि दोनों शूटर्स को सुजानगढ़ में उसने ही अपनी कार से छोड़ा था। उसे पता नहीं था कि जिन दोनों को उसने छोड़ा है वो मर्डर करके आएंगे। अगले दिन उसने हत्या का वीडियो देखा तो उसे पता चला। उसने घर वालों से सलाह ली और फिर पुलिस को जानकारी दी। योगेश ने बताया कि घटना वाले दिन उसके परिचित का फोन आया कि दो सवारियों को सुजानगढ़ छोड़ना है। वह जब वहां पहुंचा तो दो युवक और एक परिचित वहां खड़े थे। उन्होंने ड्राइवर को 1500 रुपए दिए। इसके बाद वे कभी चुरू, कभी सलासर तो कभी हिसार छोड़ने की बात कर रहे थे। योगेश ने कहा कि हिसार छोड़ने के लिए ज्यादा किराया लगेगा। वे 15000 रुपए देने के लिए तैयार हो गए लेकिन फिर योगेश ने मना कर दिया। ड्राइवर ने उन्हें सुजानगढ़ छोड़ा। वहां बस स्टैंड पर उतर कर वे दिल्ली नोखा बस के ड्राइवर से बात करने लगे। ड्राइवर के अनुसार वे दोस्ताना तरीके से बातचीत कर रहे थे और उनके व्यवहार से लग नहीं रहा था कि वे किसी का मर्डर करके आएंगे।